सो गाइस यहाँ पे चम्मच का स्टैंड देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल आ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 9 AM। और अभी मैंने एक वीडियो एडिट किया है और उसको भेजने ही वाला हूँ यूट्यूब पर, जिसका टाइटल वो मैंने बनाया था, हाँ, रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और यहाँ पे चाय आ चुका है, और यहाँ पे फड़ी, और यहाँ पे नीमकी। तो हम लोग थोड़े बहुत डाल देते हैं इसको, चाय बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और डाल देते हैं थोड़ा सा। सुबह में खाने से दिमाग बहुत ही तेज होता है। पिस्ता बादाम नहीं भाई, एक चम्मच दे दो। और आज खाने में बन रहा है बेसन का सब्जी, मेरा सेटअप। और आप लोग देख सकते हैं कि छत पर मम्मी है, और बहुत दिनों से बारिश हो रही थी। कैमरा क्वालिटी कैसा आ रहा है देख सकते हैं गाइज। सो गाइज, तो यह है मेरा छत और वहाँ पे मेरी मम्मी। दिनों के बाद आज बारिश छूटा है, आप लोग देख सकते हैं कि पूरे छत पर पानी पानी हो गया है। हाँ बोलो, जोरों की बारिश आने वाली है। तो सो गाइज, तो बहुत जोरों की बारिश आने वाली है, और 2 दिन बारिश बहुत था, आप लोग पूरे बिहार में बारिश हुआ है। सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो ब्लॉग। सो गाइज, तो अभी मेरे चैनल पर लोगो चेंज हो गया है, लोगो ये है। शाम का टाइम हो रहा है, तो आज हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं 6:15, और उधर मेरी बहन सारण दिखाने गई है, और मम्मी जी छत पर बैठी हुई है। और गाइज आ चुके हैं हम लोग किचन में। तो आज मुझको ड्यूटी मिला है काढ़ा बनाने के लिए, तो मोबाइल को पहले लगा देते हैं एक जगह की, जहाँ से हम सारी चीजों को डाल सके। जी हाँ, तो मोबाइल सेट हो चुका है, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पानी में टेंट बना के आ चुकी है मेरी बहन, जैसे जान तो ना। सबसे पहले हम लोग डालते हैं इसमें जो कि दालचीनी का पाउडर है, दालचीनी, और जो कि काढ़ा में सबसे फायदेमंद, जो कि काढ़ा के लिए स्पेशलिस्ट है, दालचीनी वगैरह और कुछ कुछ डाला जाता है इसमें। और एक कटोरा ढूंढते हैं सिस्पेंज, तो यहाँ पे आ चुका हमारा, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों काढ़ा में क्या क्या चीज से बनाता हूँ ये, क्या भाई हॉर्लिक्स क्या हाल चाल है, हॉर्लिक्स मैं खूब खाता हूँ। और गाइस यहाँ पे 2 आम और 3 अनार और 2 सेब, सेब बहुत अच्छा था, और एक यहाँ पे कटा पीस पपीता। और हमारा फ्रिज पूरा भरा हुआ रहता है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, नींबू कट कर डालेंगे। सो गाइस, तो मम्मी जी ने बोला है कि काढ़े को थोड़ी देर तक उबलने देना है, तो हम लोग उबलने देते हैं, और तब तक इधर बाहर का सीन देखते हैं। तो मौसम आज बहुत अच्छा है, 2 दिन से बारिश हो रही थी और आज बारिश नहीं हो रहा है। अभी टाइम हो चुका है 6:20, और गाइज हमारा सेटअप पे आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप लोग कि ये कैसे लगा हुआ है। सो गाइज, तो चलिए तो इसको बढ़िया से चम्मच से चला देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे चम्मच का स्टैंड देख सकते हैं, और तो ये रहा चम्मच। सो गाइस, तो हमारा वीडियो एडिट हो चुका है, पीके ग्लोरी चैनल का एक्सपोर्टिंग हो रहा है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारा 11:56। यहाँ पे मैं सोया हुआ हूँ, और देखते हैं कब तक एक्सपोर्ट हो जाता है। 12 बजने ही वाला है, सिर्फ 4 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो, और यहाँ पे देख सकते हैं 7:29 हो चुका है। तो रात को मैंने ऑफ कर दिया था, फिर सुबह मैं फिर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं 8 बजे शायद हो सके तो इसको अपलोड कर दूंगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।